गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे। जिंदगी की दस्तक कभी कभी नसीब की आड़ में बड़ी बेरहमी के साथ आजमाइश के बेकिनारा समंदर में उतारती है। आबिद खान की आंखों के दरीचों में उसी कड़ी आजमाइश से मिलने वाली कर्ब ज़दा जिंदगी के आसार वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह। सिलाई मशीन पर महारत से चलती टोपियां बनाती उंगलियां, कभी कपड़े की कटाई करती तो कभी टोपी की तह बिठाती, उसी आबिद खान की हैं जिसकी टांगे पैदाइशी तौर पर माजूर हैं, और उसके बाद से पहाड़ जैसी जिंदगी इम्तिहाने मुसलसल बनी आबिद का पैमाना सब्र मापती रहती है। मैं माजूर हूँ, लेकिन माजूरी को माजूरी नहीं समझा। अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है, अपना काम करता हूँ। अधूरे जिस्म के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्हीं घुटनों से सिलाई मशीन की मोटर दबाता आबिद लफ्ज बेबसी को शिकस्त देकर इंसानी अकल पर बड़ी आसानी के साथ पैगाम हरकत आयां करता है। जिंदगी के जितने जुल्म हुए तकदीर के फैसले समझिए जी लेते हैं। मेरे अबू बेशक मजदूर है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही इतना काम किया जितना आम इंसान नहीं कर सकता। हल्क से उतरते हर नवाले पर वो इजहारे तशक्कुर करता है और आसमान की तरफ नजरें जमाए यूं दिखाई देता है गोया मसाइब के जंगल में फंसी जिंदगी को काटा नहीं बल्कि फतह कर लिया हो। जिस्म की माजूरी नहीं बल्कि हौसलों की माजूरी जिंदगी को अपाहिज बना दिया करती है, मगर आबिद खान के बुलंद हौसले कलजमे जिंदगी में बरपा तलातुम से उसे हार नहीं मानने देते। कैमरामैन असदुल्लाह भट्टी के साथ।